हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज हम ये बेबी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल बूटीज बनाना सीखेंगे, जिनको बनाना बहुत इजी है, कोई बिगिनर भी इनको इजीली बना सकता है। और यहाँ पे ये बूटीज जो है मैंने 6 मंथ टू 1 ईयर के बेबी के लिए बनाई है। अगर आप इससे बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में 4-5 फंदे एक्स्ट्रा लेकर और कुछ रोज इसकी एक्स्ट्रा निकाल कर ईजिली हम इनको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने इनको बनाया है। इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 35 स्टिचेस लिए हैं और 35 स्टिचेस लेने के बाद मैंने इसकी 6 रोज उल्टी उल्टी बुनकर दोनों साइड से, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी, इसको मैंने उल्टा बुनते हुए 6 रोज यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। 6 रोज कंप्लीट करने के बाद आप ये देख रहे हो यहाँ पे 3 लाइन्स आ गई हैं। अब हम अपनी 7th रो पे आते हैं। अब ये जो पार्ट मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये वाला पार्ट है जो पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं अब हम इस पे आ गए हैं, 7th रो पे आ गए हैं और 7th रो पे हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो देखिए वो हम कैसे करेंगे। 7th रो पे आने के बाद अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 35 स्टिचेस हैं, तो हमने इसको क्या करना है, स्टार्टिंग के जो स्टिचेस हैं वो यहाँ पे 16 यहाँ पे और 16 यहाँ पे दोनों साइड हमें बुनने हैं और बीच के जो 3 स्टिचेस हैं उनका एक बनाते हुए हमें उसके 7 बनाने हैं। तो देखिए वो हमें कैसे करना है। 7th रो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के जो 16 फंदे हैं उनको हम यहाँ पे उल्टा बुनकर तैयार करेंगे। तो ये हमारे 16 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो 3 फंदे हैं इन 3 फंदों को आपने इकट्ठा लेकर 7 फंदे यहाँ पे बनाने हैं। जैसे 3 का हमने एक किया, फिर धागा हमने ऊपर से लिया और फिर इस तरह से बुन दिया, तो इनका फिर धागा हमने ऊपर से लिया, फिर इस तरह से बुन दिया, फिर हमने धागा ऊपर से लिया और इस तरह से बुन दिया। तो यहाँ आप देखेंगे इन 3 फंदों का हमने यहाँ पे 7 बना दिए हैं। हमने 3 टाइम्स तो धागा ऊपर से लिया है और 4 बार हमने इसको बुना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे बचेंगे अब 16, उनको हम इसी तरह से उल्टा बुन देंगे। इस तरह से ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद हमने जो नेक्स्ट 8th रो है उसको तो पूरी को हमने यहाँ पे उल्टा बुनना है और जो 9th रो है उसको हमने सीधा बुनना है। तो इसको हम उल्टा बुनकर फर्स्ट फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे बिना बुने और फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट जो फंदे हैं उनको बुन देंगे। उल्टा बुनना है हमें इस रो को। अब देखिए जो 9th रो है वो हमें यहाँ पे क्या करनी है, सीधा बुनना है 9th रो को सीधा, और उसके बाद जो 10th रो नेक्स्ट रो आएगी उसको हमने उल्टा बुनना है। तो ये देखिए 7th रो में जब हमने ये डिज़ाइन डाला, यहाँ पे 3 फंदों के 7 बनाए, तो 7th रो में पहले तो हमारे 35 फंदे थे लेकिन यहाँ पे 3 फंदों के 7 फंदे बनाने की वजह से अब हमारे 4 स्टिचेस यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं। तो टोटल अब अगर देखें हम तो 39 स्टिचेस हमारे यहाँ पे हो गए हैं। उसके बाद ये करने के बाद हमने जो 8th रो थी वो यहाँ पे उल्टी बुनी, 9th रो हमने सीधी बुनी और 10th रो फिर हमने उल्टी बुनी। अब हम अपनी 11th रो पे आ जाते हैं, राइट साइड। अब आपने क्या करना है, इसमें भी उसी तरह से करना है जैसे अब हमारे यहाँ पे 39 स्टिचेस हो गए, तो अब हम यहाँ पे उसी तरह 3 फंदे बीच के छोड़कर इन दोनों को हम इक्वल दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ अब 18 स्टिचेस हम बुनेंगे, 18 18 36 और 3 39। तो 18 हम पहले यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, तो ये हमारे 18 स्टिचेस हो गए हैं। फिर उसी तरह से 3 फंदों को लेते हुए हम यहाँ पे एक बनाकर और मतलब 7 फंदे हमने इनके बनाने हैं। इस तरह से धागा ऊपर से लेकर तो इसी तरह से हमने इसके 7 बना दिए हैं और नेक्स्ट जो 18 है उनको फिर हम उल्टा बुन लेंगे।
अब इसके बाद जो हमारी 12th रो होगी वो हम उल्टी बुन लेंगे, 13th रो सीधे बुन लेंगे और 14th रो हम यहाँ पे उल्टी बुन लेंगे। मतलब वही 3 रोज हमें यहाँ पे इस तरह से पैटर्न देते हुए हमें कंप्लीट करनी है। और फिर उसके बाद जो हमारी 15th रो आएगी उस पर हम डिज़ाइन डालेंगे। तो ये 3 रोज हम यहाँ पे बुनकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक बुनकर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हम अपनी 15th रो पे आ जाते हैं राइट साइड। अब इस रो पे आप देखिए जब हमने यहाँ पे 3 फंदों का 7 फंदे बनाए थे तो यहाँ पे 35 के से 4 फंदे इंक्रीज होकर 39 हो गए थे। जब हमने यहाँ पे फंदों को इंक्रीज किया तो यहाँ पे 4 फंदे और इंक्रीज होके 43 फंदे अब आपके इस रो में हो चुके हैं। तो ये हम अपनी 15th रो में, अब यहाँ पे देखिए जो फंदे आपके पास 43 हो चुके हैं तो इन 43 फंदों को आप उसी तरह से 2 पार्ट में कैटेगराइज करके 3 फंदे जो है यहाँ पे मिडिल में आप रखेंगे। तो अब यहाँ पे हमने 16 रखे थे, यहाँ पे 18, तो अब यहाँ पे 20 फंदे दोनों साइड हम उल्टे उल्टे बुनेंगे और यहाँ पे जो बीच के 3 फंदे हैं इनके हम 7 फंदे बनाएंगे। तो इस तरह से आपने जैसे इस रो में हमने इसको कंप्लीट किया था इसी तरह से हम इसको उल्टा उल्टा बुनकर बीच के 3 फंदों को 7 बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमें उसी तरह से 3 रोज और कंप्लीट करनी है, 16, 17 और 18। 16th रो जो है हम इसी तरह से उल्टी बुनेंगे, 17th सीधी बुनेंगे और 18th रो जो है फिर उल्टी बुनकर और फिर उसके बाद 19th रो पे इसी तरह से हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ तक बुनकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब ये देखिए हमने यहाँ तक जो फंदे इंक्रीज करके टोटल हमारे यहाँ पे 47 फंदे हो चुके हैं। अब 47 फंदे होने के बाद इस रो में फिर हम वही करेंगे। ये अब जो हमारी रो है इसमें हमारे लास्ट टाइम यहाँ पे जो 3 फंदे हैं इनके 7 होंगे, तो फिर उसके बाद हमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है। अब यहाँ पे हमारे इसमें 47 फंदे हैं, जब हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे 3 फंदों के 7 फंदे बना देंगे तो टोटल आपके यहाँ पे 51 फंदे हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे 47 फंदों को कैसे कैटेगराइज करेंगे, देखिए यहाँ के जो 22 फंदे हैं वो बुनकर 3 फंदों का इसी तरह से जैसे हम अभी बनाते आए हैं 7 बना देंगे और नेक्स्ट के 22 फंदे फिर बुन लेंगे। और इस तरह से फिर हमें 3 रोज और कंप्लीट करनी है। ये रो कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद 20th रो हम यहाँ पे जो रॉन्ग साइड में आएगी उसको उल्टा बुनेंगे, 21st जो रो है उसको हम सीधा बुनेंगे और जो 22nd रो है उसको हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे और फिर उसके बाद जो 23rd रो है फिर उस पर हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो यहाँ तक इसको बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। स्टार्टिंग के जो 22 फंदे हैं इनको हम यहाँ पे उल्टा बुनकर फिर 3 फंदों का 7 बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ तक हमारी 22 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। जो नीचे से स्टार्ट हमने किया था वो करते हुए हमारी 22 रोज अब कंप्लीट हो जाने के बाद अब देखिए हमने 4 टाइम्स यहाँ पे फंदों को इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे 4 इंक्रीज किए 39 हो गए, यहाँ पे 4 इंक्रीज किए 43 हो गए, यहाँ पे 4 इंक्रीज किए 47 हो गए और यहाँ पे 4 इंक्रीज किए तो 51 फंदे हो गए। और 22 रोज कंप्लीट करने के बाद अब हम इसके यहाँ पे इसी तरह से और ये गाटर स्टिच देते हुए हम रोज बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ काउंट कर लेते हैं कितनी रोज हमने इसकी बनाई है। हमने यहाँ पे इसकी 6 रोज बनाकर कंप्लीट की है। तो 6 रोज अब इसी तरह से हम इसकी दोनों साइड से 6 रोज, ये 6 रोज जो बनेंगी ये यहाँ पे टोटल 12 रोज से मिलकर बनेंगी। तो जब हम इनकी 12 रोज बुन लेंगे दोनों तरफ से उल्टी उल्टी तब जाके ये हमारी 12 यहाँ पे कंप्लीट होंगी। अब देखिए एक बात इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आप इसे बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से, अब मैं तो यहाँ पे इस तरह से ये
इस तरह से ये स्टिचेस दे रही हूँ गार्टर स्टिचेस, तो फिर क्योंकि मैं कंप्लीट करने वाली हूँ अपनी सॉक्स को, लेकिन आप अगर इससे बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से एक रो और बनाएंगे और जिसमें हम इनको डिवाइड कर लेंगे और इसी तरह बीच के तीन फंदों के हम 7 फंदे बनाएंगे। तो आप जैसे हम बड़े के लिए बनाते जाते हैं तो इसी तरह से हमने ये रोज़ यहाँ पे बनानी है, 5 या 6 रोज़ इस तरह से। जैसे यहाँ पे मैंने 3 रोज़ दी हैं तो 4 या 5 करके आप इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इससे आपके जो है बच्चे के अकॉर्डिंग जिसके लिए भी आप बनाना चाहते हैं वो ये एडजस्ट हो जाएगी। तो अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, जो आपकी टोटल 34 तक जो रोज होंगी कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद हम इसका ये वाला एरिया बनाएंगे और फिर हमारी ये जो बूटीज हैं कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ तक जो रोज हैं 12 रोज मैं बुनकर इसकी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, हमारी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 12 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट रो पे चलते हैं। 12 रोज कंप्लीट हो जाने के बाद टोटल यहाँ से नीचे से लेते हुए हमारी यहाँ पे 34 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब उसके बाद हम अपनी 35th रो पे, ये जो प्रोसीजर है थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इससे हम इसको स्टिच भी करते चले जाएंगे जो बूटी है। तो टोटल हमने 27 फंदे उल्टे बुनने हैं, यहाँ पे हमारे 27 फंदे हैं, यहाँ पे हमारे 24 फंदे हैं। अब ये टोटल 51 हो गए। अब आपने क्या करना है, जो भी हमारा प्रोसीजर चलेगा इन बीच के 5 फंदों पे चलेगा, 4 फंदे यहाँ से और एक ये, मतलब दोनों तरफ हमारे 23 हो जाएंगे और बीच के 5, तो 46 प्लस 5 51 होंगे। ये फंदे हम हमारे एक फंदा हम इधर से इंक्लूड करेंगे, एक इधर से इंक्लूड करके बंद करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे इस रो में हमने क्या किया, 27 फंदे बुन लिए, उसके बाद यहाँ से हम 2 फंदों का एक करेंगे और इन फंदों को नहीं बुनेंगे। जब हमने इन 2 फंदों का एक किया तो अब आप यहाँ देखिए 22 फंदे अब यहाँ पे बच चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे इन 2 फंदों का एक करके यहीं से इसको टर्न कर लेंगे और इस तरह से करके हम यहाँ पे ये फंदा जो हमने 2 का एक किया था दूसरी सिलाई में डालकर और यहाँ से हम इनको नेक्स्ट जो है 3 फंदे बुनेंगे। और फिर यहाँ से हम 2 फंदों का एक कर देंगे। तो इस तरह से फिर हम यहाँ से इसको टर्न कर लेंगे। तो आप देखिए इस रो में हमने क्या किया, जो हमने वहाँ पे 2 का एक बनाया था उसको ऐसे ही बिना बुने सिलाई में डाल लिया दूसरी सिलाई में और फिर 3 फंदे हमने बुन लिए और फिर यहाँ से 2 फंदों का एक किया, उसके बाद यहीं से इसको मोड़ लेंगे इस तरह से और फिर इस फंदे को इसी तरह सिलाई में डाल लेंगे बिना बुने और नेक्स्ट 3 फंदे हम बुन लेंगे और फिर ये जो फंदा था इसके साथ एक और यहां से इंक्लूड करके और इस तरह से हम इनको बुन देंगे। तो जब हम इस तरह से बुनते चले जाएंगे ये 5 फंदे हमारे जो है इसको सॉक्स को बाइंड करते चले जाएंगे, ये 5 फंदे यहाँ पे 3 फंदे हम बुनते जाएंगे, एक फंदा इसके साथ इंक्लूड करके इधर से बंद करेंगे, एक फंदा इसके साथ इंक्लूड करके इधर से बंद करेंगे। तो इस तरह से हमारा होता जाएगा। जैसे फर्स्ट रो में हमने देखा 22 थे, अब यहाँ पे इसमें अब 21 रह गए, फिर 20, फिर इस तरह से होते हुए हमारा ये बंद होता चला जाएगा और यहीं से हम इसको टर्न कर लेंगे। जब हम 2 फंदों का एक बनाएंगे इसको ऐसे दूसरी सिलाई में बिना बुने डालकर 3 फंदे बीच के बुनकर नेक्स्ट यहाँ पे इस फंदे के साथ दूसरा इंक्लूड करके इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। तो यहीं से ही मोड़ते हुए और फिर इस तरह से हमने इन सारे फंदों को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी तरह से ही करते जाना है। तो इस तरह से हम सारे फंदों को इसी तरह से प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए क्लोज करते जाएंगे। इस तरह से हमने ये सारी की सारी
जो यहाँ पे बेस का एरिया था उसको क्लोज कर दिया है। और ये देखिए इस तरह से दिखेगा, ये वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया। अब उसके बाद हमें यहाँ से ये क्लोज करना है। तो इसको क्लोज करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे कि अब हम वहाँ पे क्लोज जब करते आ रहे थे, तीन फंदे तो हमने बीच के बुन लिए थे, इस फंदे के साथ हम यहाँ से एक फंदा और इस फंदे के साथ यहाँ से एक फंदा ऐसे इंक्लूड करके उनको दो का एक करते हुए जा रहे थे। तो अब यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे। हम कैसे करेंगे, जैसे कि अब ये वाला यहाँ तो हमारा दो का एक हो चुका है, इसको तो हम इसी तरह से बुन देंगे। वहाँ पे हमने जब इस साइड हमने बुना तो दो का एक हमने कर दिया था। अब इन तीन फंदों को हम यहाँ पे बुनेंगे। तीन फंदों को बुनने के बाद अब देखिए, अब इसके साथ हम यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे ऐसे, और इन दोनों को यहाँ पे दो का एक कर देंगे। और सेम उसी तरह से हम करते चले जाएंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। फिर ये दो फंदों का एक हुआ है तो इसको हम ऐसे ही ले लेंगे और तीन फंदे हम बुन देंगे। अब इसके बाद ये जो हमारा फिफ्थ फंदा है, यहाँ से भी इसके साथ हम एक फंदा उठा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें इधर से नहीं, इधर से उठाने, क्योंकि राइट साइड हमारी इधर से है, तो ऐसे उठाकर और इस तरह से हम सिलाई में डालकर दो फंदों का एक कर देंगे। तो दोनों तरफ से हम इसी तरह से एक एक उठाते जाएंगे और उनको इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। तो हमारा यहाँ से ये वाला एरिया भी क्लोज हो जाएगा। तो इस फंदे को ऐसे ही हम ले लेंगे और तीन फंदे और बुनकर, तो यहाँ तक क्लोज इसी तरह से इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये सारा एरिया सिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब हम इस तरह से दोनों साइड से एक एक फंदा उठाकर इसको यहाँ का दो का एक करते चले जाएंगे, तो ये हमारी सारी जो बूटी है बनकर तैयार हो जाएगी। और एंड में जो ये आपके फाइव फंदे होंगे, इनको हम यहाँ पे पाइंड ऑफ कर देंगे, क्लोज कर देंगे इस तरह से, दो फंदों का एक करते हुए इस तरह से हम इनको यहाँ पे बंद करके और इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दें। और एंड में यहाँ से इसको एक उठाते हुए इसके साथ इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से, हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। और एंड में धागा यहाँ से तोड़कर और इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। ये बूटीज हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अभी हमारा पेयर कंप्लीट हो चुका है और इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डेकोर भी किया है। आप जिस मर्जी मटेरियल से इसको डेकोर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने प्यारे से कमेंट्स देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।